नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया, मेरे यानी किरण बैरागी के साथ। आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबर। पानसेमल पुलिस द्वारा 2 वर्ष से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। आज पानसेमल थाना प्रभारी लाखन सिंह बघेल द्वारा जानकारी में बताया, पानसेमल पुलिस थाने सहित जिले में अन्य पुलिस थानों पर जिला पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला द्वारा स्थायी वारंटी व फरार वारंटियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके परिपालन में थाना क्षेत्र के वारंटियों फरार आरोपियों को तलाश कर गिरफ्तार किया जा रहा है। उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में पानसेमल पुलिस टीम गठित करते हुए स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध धारा 354 का अवधि एवं SC ST एक्ट में प्रकरण दर्ज था, जो लगभग 2 वर्ष से फरार था। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद माननीय विशेष न्यायालय बड़वानी पेश किया गया। कार्यवाही के दौरान थाना प्रभारी लाखन सिंह बघेल, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक रूप सिंह मंडलोई, आरक्षक सुनील पालीवाल, आरक्षक कनक सिंह भाबर, आरक्षक अमर डाबर, आरक्षक राकेश रघुवंशी का सराहनीय योगदान रहा। पुलिस थाना प्रभारी पानसेमल द्वारा बताया गया कि स्थायी वारंटी, गिरफ्तारी वारंटी व फरार वारंटियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। माननीय विशेष न्यायालय बड़वानी से दीपक पिता प्रकाश पाटिल निवासी शिव टेकड़ी बड़वानी का, इसके खिलाफ वर्ष 2019 में 354 एवं SC ST एक्ट का प्रकरण दर्ज हुआ था। उक्त प्रकरण में आरोपी करीब 2 वर्ष से फरार चल रहा था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्थायी वारंट जारी किया गया था। अभी दशहरे के पर्व पर सूचना मिली कि आरोपी अपने घर पर आने वाला है। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को कल शिव टेकड़ी पानसेमल से गिरफ्तार किया गया एवं विशेष न्यायालय बड़वानी में पेश किया जाकर केंद्रीय जेल बड़वानी दाखिल कराया गया।